नाजरीन आदाब लीजिए एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट खुशबू लेकर वही आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ फुर्सत के जिस तरह हर हफ्ते आप हमसे मिलने का इंतजार करते हैं उसी तरह हर हफ्ते आपसे मिलने का बेसब्री से हम भी इंतजार करते हैं क्योंकि आपको नई नई और उम्दा जानकारियों से रूबरू जो करवाना होता है तो चलिए आज के शुमारे का आगाज करते हैं हम खातन से जितनी मर्जी चाहे शॉपिंग करवा लो हमारा दिल तो भरता है नहीं और अगर बात हो कस्टमाइजेशन की तो कौन सा कपड़ा लें कौन सी ड्रेस लें और कौन सा फैब्रिक ट्रेंड में है ये समझ ही नहीं आता तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं रिंकू जी से फैब्रिक कौन से ट्रेंडिंग कर रहे हैं सो so, मेरा मानना ये है कि फैब्रिक का चुनाव वो होना चाहिए जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो आजकल आप देखिए एफ में भी फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया या वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें द ग्लोबल पैटर्नज़ हम सब कोई जो है सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं अब सस्टेनेबल फैब्रिक कौन सा होता है जो ऑर्गेनिक होता है नेचुरल होता है और जो लंबा चलता है सो so, अगर हम अच्छे प्योर फैब्रिक का चुनाव करेंगे जिसमें कि अगर हम प्योर फैब्रिक है उसमें क्या होता है अगर हम डाई कराते हैं तो उसमें पानी कम लगता है और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता तो ऐसा कपड़े का हम चुनाव करें जिसमें हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल की तरह बिहेव करें तो बेटर रहेगा सो so, उसमें प्योरिटी ऑफ द फेब्रिक इज़ इम्पॉर्टेंट नैचुरल फ़ैब्रिक सस्टेनेबल फ़ैब्रिक उसको ट्रेंड में लेकर आए अब नेचुरल और सस्टेनेबल फैब्रिक्स कौन कौन से होते हैं आप देखिए कॉटनस होते हैं जो नेचुरल grown होते हैं जिनमें ताना बाना का होता है खादी हो गया आपका लिनन्स हो गया या अगर हम शिफॉन स्क्रेप का चुनाव कर रहे हैं तो अगर हम प्योर की तरफ जाएँ कम पहने अच्छा पहने मगर प्योर ऑर्गेनिक और, और सस्टेनेबल फ़ैब्रिक पहने तो वो बेटर रहेगा और उसी कपड़े को वो कपड़ा लंबा चलता है लंबा चलेगा तो बार बार आपको बहुत ज्यादा नहीं खरीदना पड़ेगा वो लुक भी उसकी बहुत अच्छी होकर आएगी सिंथेटिक्स का यूज कम करिए सिंथेटिक्स चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो अगर आप प्योर का कपड़ा पहनेंगे सस्टेनेबल फैब्रिक पहनेंगे बारह महीना चलेगा उसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि ये इस सीजन चलेगा और चुनाव कपड़े का और डिजाइन का ऐसा करिए जो इथीरियल फैशन हो इथीरियल फैशन मीन्स कि आज है तो दस साल भी दस साल बाद भी है जैसे आप देखिए साड़ी है अनारकली है आपका शरारा है सो so ये वाली जो चीज़ें हैं या अगर आप एब्रॉड रहते हैं ये तो हमारे हिंदुस्तान का परिधान हो गया बट आप एब्रॉड हैं या आप हिंदुस्तान से बाहर किसी दूसरी कंट्री में है तो ट्राउजर्स बिजनेस सूट्स सो so इस तरीके का एक इथीरियल फ़ैशन होता है और कुछ फ़ैशन होता है जो अभी करंट ट्रेंड करता है जैसे बहुत सारे लोग पहनते बिग बोज हो गए शोल्डर रैक्शन हो गए लॉट ऑफ मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड डिफरेंट डिफरेंट सो वो क्या होता है उनकी मियाद जिसे हम कहते हैं बहुत छोटी होती है अभी आए और अभी चले गए सो so, ट्राई टू इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड डिज़ाइन इन अ वेरी गुड फेब्रिक विच इज़ लॉन्ग टर्म ताकि आपका फ़ैशन जो है वो ऑप्सीट ना हो आउटडेटेड ना हो सो उस तरह के कपड़े का और उस तरह के डिज़ाइन का चुनाव कीजिए जो लम्बा चले और कहा जाता है कि हेवी गर्ल्स पर अनारकली सूट सूट नहीं करता तो मैं जानना चाहूँगी आपकी राय कि क्या ये बात सच है या नहीं अब घूम फिर के बात ये हो जाती है कि हम मोटे हैं हम पतले हैं लेडीज़ प्लीज़ ये मोटे और पतले का कि हम हैवी हैं कि हम लाइट हैं मैं ऑपोजिट्स बता रही हूँ इसको बिल्कुल दिमाग में न लाइए मगर क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि अगर हम हल्के से मोटे हैं तो क्या हमको अनारकली सूट करेगा बिल्कुल सूट करेगा अगर भगवान ने हमें हमारा बॉडी टाइप वो दिया है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए फील गुड अबाउट इट बट हाँ सूट करना और जहाँ चयन करने का बात होता है वहाँ पर अगर हल्का सा हमारा बॉडी वेट जेनरस है हमारे ऊपर तो जो अनारकली हमें सूट करेगा अगर वो हम एम्पायर लेंथ ना लें तो बेटर है अनारकली में भी एक प्रिंस कट अनारकली होता है एक एम्पायर लेंथ होता है एम्पायर लेंथ में क्या होता है वो आपकी बस से टाइट होता है और नीचे बहुत सारी चुन्नट होती हैं उसमें तो उस चुन्नट में उस गैदर्स को अनारकली ना लेके अगर हम इस तरह से अनारकली की कटिंग करें उसका चुनाव इस तरह से करें कि वो कमर से पतला और नीचे से उसकी कली चौड़ी होती जाए और वो ओरेब स्टाइल अनारकली हो तो हम कंपैरेटिवली लीडर और पतले लगेंगे और अगर हम प्रिंस कट अनारकली लें जिसकी कली टोटल एग्जैक्टली हमारे शोल्डर से चालू होती है उस तरह से अगर हम उस अनारकली का चयन करें तो हम पतले लगेंगे कोशिश करिए बहुत ज़्यादा फूला हुआ फैब्रिक जैसे चंदेरी और लिनन कॉटन ये वाले फैब्रिक्स कंपैरेटिवली फूलते हैं और गैन्जा फूलता है सो so, इन कपड़ों में अगर हम हल्का सा वेट हमारा है तो इन कपड़ों को अवॉइड करें क्योंकि ये हमारी बॉडी पे फूलेंगे सो so, पतले कपड़े इसमें अगर हम अनारकली बनवाएँ कट बनवाएँ फ्रॉक स्टाइल ना बनवाएँ ज़्यादा चुन्नट ना बनवाएं तो अनारकली हमको ज़्यादा बेहतर लगेगा हमारी बॉडी टाइप पर अगर वेट हमारा थोड़ा सा जेनरस है तो अक्सर 50 प्लस लेडीज ये सोचती हैं कि उन पर किस तरह की ड्रेसेस सूट करेंगी और अगर आप भी 50 प्लस हैं तो आप भी जान लीजिए कि किस तरह की ड्रेसेस आप पर सूट करेंगी 50 प्लस की जहां बात आती है अगर 50 प्लस की बात कहें तो मैं कहूंगी एक बड़ा पर्सनल शेयर करूंगी मैं स्क्रीन पे कि दो साल बाद मैं भी 50 प्लस हो जाऊंगी तो दिमाग में ये चीज़ें मेरे भी आती हैं कि मुझे क्या एज के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना चाहिए तो आंसर इसका होगा हाँ हम बहुत हमें ग्रेसफुली एज करना चाहिए और अगर हम एज से रिलेटेड वैसे तो कुछ नहीं है कि ये पच्चीस साल में हमको ये पहनना चाहिए और पचास साल में ये पहनना चाहिए बट क्योंकि हमारा माइंड बदलता है हमारा थाट प्रोसेस बदलता है तो हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है हम और वाइजर हो जाते हैं सो तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए जो कपड़ों का हमें चयन करना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हो कई बार क्या होता है जब हम 25 के होते हैं 20 के होते हैं हमें लगता है हमें बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहननी चाहिए हम कंपेरेटिवली पतले होते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल फिगर हगिंग ड्रेसेस पहननी चाहिए लाइकरा पहनना चाहिए ब्रैलेट्स विद शॉर्ट्स पहननी चाहिए एवरी थिंग और नॉर्मली क्या होता है वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें सो व्हेन वी रीच द एज ऑफ फिफ्टी हम मदर बन चुके होते हैं तो मदर uh, बन चुके होते हैं तो अगर हमारी डॉटर्स भी वो टीन एज डॉटर्स हैं तो बड़ा कंपैरिजन आ जाता है कई बार माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चे जो है ना कई बार रोफ्रेंड हो जाते हैं कि मम्मा इज़ लुकिंग मच मोर ब्यूटिफुल देन मी तो इसलिए अगर बच्चा भी हमारा साथ में है तो हम अगर मदर के जैसे भी थोड़ा सा बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए अपने आप को ड्रेसअप करें तो वो भी बहुत अच्छा होगा अगर हमारी डॉटर ने शॉर्ट्स पहनी है तो हम कंपैरेटिवली अगर ट्राउजर एंड कोट पहन ले तो उसमें हमारी पर्सनालिटी और अच्छी निकल के आएगी और बच्चे को भी लगेगा दैट मम्मा इज़ नॉट कम्पीटिंग विद मी सो ये मैं सिर्फ़ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सो फिफ्टी प्लस में अगर हम ट्राउज़र्स पहने बिजनेस सूट्स पहने सो एट दैट टाइम वी आर मोर पावरफुल एज अ वुमेन काफ़ी एक्सपीरियंस स आ चुका होता है हमें सो बिजनेस सूट्स बहुत सूट करेंगे हमें और अनारकली सूट करेगा वैसे तो हर ड्रेस सूट करेगा हम आ, नी लेंथ ड्रेस पहन सकते हैं शॉर्ट स्कर्ट पहन सकते हैं एनी थिंग बट कपड़े का चुनाव वो करें जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें एट दिस एज आर ड्रेसिंग शुड बी बोल्ड ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल बिंदास ड्रेसिंग होनी चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें किसी की वैलिडेशन सीख ना करें अपनी पर्सनालिटी को देख के इफ़ वी आर फीलिंग गुड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट आउटफिट एंड वेयर दैट आउटफिट सिल्क फैब्रिक कितने टाइप्स के होते हैं क्या आप हमें इस बारे में जानकारी देंगी तो सिल्क जो है बहुत ही रिच फैब्रिक है इतना रिच और सिल्क कैसे पता चलता है सिल्क की वीव सिल्क वर्म से बनता है सिल्क जो प्योर सिल्क होता है अब मैनमेड सिल्क भी आ गया है जिसमें कि एक ताना बाना का जो ग्रेन है वो सिंथेटिक ग्रेन भी होता है मगर कोशिश करिए कि सिल्क अगर हम प्योर सिल्क लें तो उसकी रिचनेस अलग ही होती है अब सिल्क बहुत तरीके का होता है आपका हाबुता है, होता है, पारसी गारा सिल्क होता है पारसीगारा सिल्क होता है पारसीगारा वैसे एम्ब्रॉयडरी भी होती है बट वो सिल्क होता है देन बालूचिरी सिल्क होता है सिल्क का एक और परिधान होता है वो इकत, सिल्क होता है सो ये सब अलग अलग तरह की वीव्स होती हैं अब पोचम पल्ली होता है सो बहुत ही अलग अलग तरीके की अब ये सिल्क आप आकाशी काशी में जाएंगे वाराणसी में बनारस में जाएंगे तो बनारसी सिल्क होता है बेंगलोरियन सिल्क होता है सो सिल्क खादी सिल्क बहुत सारे लोग जो हैं वो खादी सिल्क भी पहनते हैं सो जैसे खादी कॉटन होता है ऐसे ही खादी सिल्क होता है सो बहुत अलग अलग तरीके के सिल्क होते हैं अब साड़ीज़ हम पहनते हैं तो साड़ीज़ में कांजीवरम होता है बालूचरी देन पेपर सिल्क सो बहुत ही अलग अलग तरह की रॉ सिल्क बहुत अलग तरह की वैरायटीज होती हैं सिल्क में सिल्क अपने आप में एक बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत रिच फैब्रिक्स हैं और ये फैब्रिक्स कभी भी आउटडेटेड नहीं होते तो इन्वेस्टिंग इन सिल्क आल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फ़ैशन इथीरियल फ़ैशन एंड सिल्क भी कभी आउटडेटेड नहीं होता आप देखिए पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी सबके पास सिल्क की साड़ीज़ होती थी ब्रोकेड होते थे खीम खाब होता था तो वो बहुत ही अच्छे फैब्रिक्स होते थे एक रिच फैब्रिक होते थे सो तो वो आज की डेट में भी हम यूज़ करते हैं तो सिल्क इज़ अ वेरी रिच फैब्रिक सिल्क अगर आपकी पुश्तैनी साड़ीज़ हैं आपके पास तो उनको संभाल के रखिए उनको पहनिए और इन्वेस्ट करिए सिल्क में इट इज़ अ वेरी रिच एंड वेरी गुड फैब्रिक रेंकू जी एक कामयाब फ़ैशन डिज़ाइनर है और अगर कोई इस लाइन में आना चाहे तो आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगी अगर फैशन डिज़ाइनिंग में कोई आना चाहता है सबसे पहले उसके अंदर फ़ैशन एक ही होना चाहिए वो पैशन होना चाहिए नए डिज़ाइंस क्रिएट करने का देखिए कोई भी लाइन हो उसमें ग्रो करना आसान नहीं होता तो एक वो जज्बा होना चाहिए कि आज नहीं तो कल वो दिन हमारा होगा हम कुछ भी चूज़ करें उसमें टाइम लगेगा रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे सो इट टेक्स टाइम सो अगर वो चीज़ आज नहीं हो रही कीप मूविंग परसिस्टेंस होनी चाहिए उस चीज़ में रिजिलियंस होनी चाहिए ताकि हम उस काम को बार बार करके अपने गोल तक पहुँचें और फैशन डिजाइनिंग के आज की डेट में बहुत वर्टिकल्स हैं वो सिर्फ़ एक कपड़ों पे ही सीमित नहीं है एक्सेसरी डिज़ाइनिंग भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आता है शू डिज़ाइनिंग भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आता है तो so, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं सो so, आप पूरा अच्छे से स्टडी करिए कि आपको कौन सी फ़ील्ड में जाना है फैशन जर्नलिज्म, फ़ैशन कम्युनिकेशन फ़ैशन ब्रांडिंग आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं फ़ैशन में तो so, वो आपको देखना है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है आप को आपका रुझान किस चीज़ की तरफ़ है आप उसको अच्छे से स्टडी करिए और उसके बाद अपनी उस फील्ड का चयन कीजिए और चयन करने के बाद ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि पूरा पैशनेटली अपने उस प्रोफ़ेशन को बखूबी निभाइए एंड जैसे मैंने कहा रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे टाइम लगेगा मगर काम ज़रूर होगा सो कीप मूविंग और काम करते रहिए अपने उस गोल की तरफ एंड डेफिनेटली यू विल अटेन सक्सेस न्यू बिजनेस सेटअप करने के कुछ टिप्स जान लेते हैं रिंकू जी से अब बात हमारी हो रही है कि अगर हमें नया बिज़नेस सेटअप करना हो तो क्या टिप्स हो नया बिजनेस सेटअप करना हो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ साइकोलॉजी की बात नहीं हो रही मगर साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है सबसे पहले ठहराव लाना ज़रूरी है वी नीड टू बी ग्राउंडेड एंड रूटेड पेशेंस नहीं छोड़नी है कि आज अगर हमने कोई काम सेटअप करा तो आज ही क्लाइंट आएगा और आज ही हमारा सारा सामान बिक जाएगा नहीं पेशेंस होनी ज़रूरी है धीरे धीरे अगर हमको एक शोरूम खोलना है तो सबसे पहले उसकी लोकेशन क्या है और हमारा अगर फोटे फैशन में अगर हमारा एक पर्टिकुलर स्टाइल है तो उसका एक प्रोडक्ट क्रिएट करना एक कैटलॉग क्रिएट करना अपने आप को मार्केट में प्रमोट करना और अपने जो डिज़ाइंस आपने क्रिएट किए हैं उनका चुनाव एक फुल ऑनेस्टी से करना कस्टमर के साथ कोई भेदभाव नहीं करना कस्टमर इंटरेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आपको वो एक प्रोफाउंड नॉलेज होनी चाहिए उसकी बॉडी टाइप की और आपको उसको एक सही तरीके से गाइड करना चाहिए सो so, अगर ये सब चीज़ें आप माइंड में रखेंगे सो so, डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा ये नहीं कि आज क्लाइंट आया है और अगर कल नहीं आया तो परेशान हो जाना है नहीं परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपको यू हैव टू कीप मूविंग एंड कैसे कैसे आप न्यू डिज़ाइंस इवॉल्व करते रहें न्यू टेक्निक्स अगर आ रही हैं तो ओल्ड एंड न्यू को आप कैसे एमेलगमेट करते रहें एक बैलेंस बना के रखें सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन कीप ग्रोइंग कीप मेकिंग न्यू डिज़ाइंस एंड इथीरियल एंड सस्टेनेबल फैशन इट विल टेक सम टाइम बट देन द सक्सेस विल बी योर्स एट दी एंड आइए नज़र डालते हैं रिंकू जी के कुछ फैशन कलेक्शन पर और जान लेते हैं कौन सी ड्रेसेस है फ़ैशन ट्रेंड में हमारे पास स्टोर में हमारे स्टोर में बहुत कुछ है बट क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस एंगल पे खड़ी हूँ तो उसके पीछे जो डिज़ाइंस हैं अगर मैं उसी के बारे में आपको बताऊँ तो दैट विल बी मच ईजियर अब ये हमारी जो कलेक्शन है देखिए विविड कलर्स हैं बहुत सारे कलर्स हैं इसमें अब कलर तो लाइफ में होने बहुत ज़रूरी है समर्स में हालां हम वाइट्स बहुत क्रिएट करते हैं बट इधर हमने सारे कलर्स कर रखे हैं सो so इसमें अगर आप देखिए सो ग्रीन है तो फ्यूजन वेयर जो है वो हमारा एक्सपर्टीज़ है और अगर आप देखें तो लॉट ऑफ फ्लोई फैब्रिक्स मैं फ्लोई फैब्रिक्स में बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि फ़्लोई फैब्रिक्स में क्या होता है अगेन देट इसेंशुएट्स योर बॉडी टाइप सो ज़्यादातर फ्लोई फैब्रिक्स हैं कुछ हमने चंदेरी भी इसमें ऐड किया हुआ बनार है बनारसी चंदेरी ऐड किया हुआ है कॉटन्स भी हैं लिनन्स भी हैं यहाँ पे जॉर्जट्स हैं और क्रेप्स हैं कुछ हैंडवर्क्स हैं हमारी अपना पूरा प्रोडक्शन है जिसमें एक पूरी स्टोरी लाइन पर हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं शराराज हैं ब्राइट कलर्स में हैं मोनोक्रोमैटिक कलर्स में हैं देन ये हमारा एक येलो कलेक्शन है सो इट्स अ फ्यूजन वेयर जिसमें अंदर अगर एक नी लेंथ ड्रेस है तो ऊपर पूरा केप है सो लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच फ्यूजन वेयर इज़ आर स्पेशलिटी तो बहुत सारी फ्यूजन वेयर डिजाइंस हैं तो जिनको एक नहीं दो नहीं तीन चार तरीके से हम पहन सकते हैं क्योंकि हम मिथीरियल और सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं इसलिए हमारा एक डिज़ाइन आप चार अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं ये हमारी स्पेशलिटी है सो so उसी के अकॉर्डिंग हमने ये ड्रेसेज अपने डिज़ाइन किए हुए हैं आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नजर डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। जिंदगी किसी के लिए भी बहुत आसान तो नहीं है। जिंदगी अपने साथ अपनी मुसीबतें लेकर ही आती है। पर हम उसको कैसे पार करके आगे बढ़ते हैं? वो एक अच्छे इंसान का, वो एक अच्छा इंसान वो एक पताता है कि आप कित किस तरीके के इंसान हैं सो so, बचपन में क्लास फाइव में थी आ, जब पहली बार मेरी टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि आ, आपकी बेटी के साथ पक्का कुछ परेशानी है उसको आ, देखने में ये नहीं पता कि आ, तब तक क्यों पर धीरे धीरे करके ऐसा कहा जाता है कि विजुअल एम्पेयरमेंट आँखों की परेशानी डिट्यूरेट होती है आ, वैसी नहीं रहती हमेशा तो बचपन से ही था मेरे साथ ये सिचुएशन और धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा कम हुआ कि देखने में लोगों को पता लगने में वो समय लग गया या तब तक एक्चुअली उम्र इतनी छोटी थी कि आ, घर वालों को महसूस नहीं होता था लगता था कि बच्चा शैतानी कर रहा है चीज़ों को पास से देख रहा है पढ़ना नहीं चाहता इसीलिए उतना अटेंशन नहीं दे रहा टी वी पा पास जा जा के देख रहा है क्या था वो तो एक मिस्ट्री ही है बट बहरहाल पेरेंट्स को पता लगा और मैं भगवान को जितना भी थैंक्स करूं मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूं जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत बहुत सपोर्ट किया बहुत सहारा दिया किसी भी टाइम पे किसी भी मुकाम पे अकेला नहीं छोड़ा दुनिया के किसी कोने के डॉक्टर हकीम वैद होमोपैथिक एलोपैथिक पूजा पाठ किसी भी चीज़ को मेरे पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा जहाँ से जहाँ जहाँ जह, जो सुने जो लोगों ने उन्हें बताया जो वो जो वो नहीं भी कर सकते थे उन्होंने वो भी किया पर उस सब में शायद सिर्फ़ बचपन ख़त्म हो गया मेरे पास सब कुछ होते हुए इतना सपोर्ट होते हुए इतनी मदद होते हुए अपने घर की तरफ से अपने आ, अपने जान पहचान वालों की तरफ से मैं कुछ नहीं कर रही छुट्टियां ख़त्म करते ही मैंने आ, सबसे पहले एक आ, ऐसी संस्था में पहुंचने का निश्चय कर लिया था जो मुझे ब्रेल सिखाएगी और मैं आगे बढ़ूँगी उस लिए मैं आ, पहुंची नैब और उन्होंने उन्होंने मुझे काउंसिल भी किया बताया कि ब्रेल की जगह अगर मैं कंप्यूटर्स चलाना सीखूं टॉकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से तो मैं ज़्यादा जल्दी आ, सब सीख सकती हूं। और क्योंकि मैं खुद ये चाह रही थी कि मैं आ, मैं उम्र पता नहीं चाहिए बट मैं तैंतीस साल की थी जब मैं वहाँ पहुँची तो मे मेरे को ऐसे डेफिनेटली अब लग चुका था कि मैंने बहुत बहुत समय बर्बाद कर दिया है मैं जितना जल्दी कुछ कर लूँ वो अच्छा है आ, मैंने तब कंप्यूटर चलाना सीख मैं सीखने लगी पहले जब मैं यहाँ पहुँची क्योंकि उनके पास आ, उस समय बैच में, में मेरे लिए जगह नहीं थी तो वो मुझे उन्होंने पर मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं आज वापस चली गई तो मेरे लिए फिर कुछ नहीं है वापस और मैं वो अपने साथ नहीं करना चाहती थी तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अपने बैच में जगह मत दो आपकी जो हेल्पलाइन डेस्क है मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ और आपके पास जब समय हो जिसके पास समय हो वह आके मुझे थोड़ा सिखा दे मैं उसको प्रैक्टिस कर लूँगी फिर आके मुझे सिखा दे अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरी डेडिकेशन देखी या वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे तीन चार दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि हमारे बैच में एक जगह खाली है आप को प, आ, उसमें एंट्री चाहिए और बस देर वज़ नो लुकिंग बैक उसके बाद मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया मैं जिस बैच में बैठती थी सीखने के लिए मे मेरे साथ जितने भी बच्चे थे वो सब बारहवीं पास करके अलग अलग शहरों से आए हुए थे क्योंकि वो कंप्यूटर सीख के और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस साल अप्लाई करना चाहते थे ग्रेजुएशन के लिए मैंने भी चुपके से फॉर्म भर दिया ग्रेजुएशन का आ, ये सोच के कि मेरे पास एक साल पूरा है आ, मैं प्रैक्टिस कर लूँगी अगर तो मैं कर गई तो बहुत ही बढ़िया है और अगर मैं नहीं करी तो इनमें से कोई तो वैसे भी मुझसे दोस्ती नहीं करेगा तो मेरे आई आई विल नॉट हैव मैं किसी से आ, आ, सिर्फ अपने आप से ही शर्मिंदा होंगी किसी और को कुछ नहीं पता चलेगा पर जब करने की इच्छा होती है तो somehow मेरे को ऐसे लगता है कि आ, हर चीज़ आपके लिए रास्ते बनाने लगती है अगर आपने अपने में निश्चय कर लिया है जी। आ, मैंने उस साल ओपन स्कूल से ग्रेजुएशन शुरू करी और उसी साल कुछ महीने बाद मुझे आ, एक नौकरी की भी ऑफर आई ऐसी ही एक संस्था में जहाँ पे आ, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम किया जाता है उन्होंने मुझे कहा कि आप बच्चों के लिए काम कीजिए और तब से आज तक पढ़ाई भी चल रही है ग्रेजुएशन हुई पोस्ट ग्रेजुएशन हुई मास्टर्स uh, किया और uh, आज सात एक साल हुए हैं मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे रोज़ uh, यही सोच के आती हूँ कि uh, जिस जगह ने मेरी जिंदगी बदली Uh, मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकती हूँ uh, मेरे को इस लायक बनाया कि uh, मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकती हूँ अपने भाई बहनों के लिए बड़ी बहन की तरह उनको सपोर्ट uh, कर सकती हूँ तो uh, मैं बहुत खुशी से आई एम लाइक एम वेरी ग्लैड कि uh, ये चल रही आहा है सफ़र और uh, रोज कुछ ना कुछ ऐसा करने को मिलता है जिससे पता चलता है कि दूसरों की जिंदगी में कैसे हम चेंज सकते हैं। तो नाजरीन कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज भी हुए होंगे आप हमारा ये प्रोग्राम डी उर्दू के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर हमें अपनी राय जरूर भेजें अगली बार तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत खुदा हाफिज नई पोस्टिंग में राम को मिले निराले